नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा एसपी 160 के बारे में। दोस्तों होंडा एसपी 160 जो 125 सीसी का सक्सेसर है, यानी कि 125 सीसी की बाइक के सक्सेसर होने के बाद में होंडा ने 160 सीसी में ही बाइक निकाली है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट की और इसके प्राइस के बारे में, यानी इनका रेट क्या होने वाला है। तो दोस्तों इनमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक तो सिंगल डिस्क का मिलता है, एक डबल डिस्क का मिलता है। डबल डिस्क ब्रेक में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। जहाँ तक बात करें एक शोरूम कीमत की, तो जो सिंगल डिस्क है वो उसकी कीमत जो 1,18,092 रुपये पड़ती है, और जो डबल डिस्क है उसकी कीमत 1,22,492 रुपये पड़ती है। दोस्तों जहाँ तक बात करें कि इसमें आपको बहुत सारे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, और गाड़ी का जो इंजन कैपेसिटी है वो 162.71 सीसी की है। माइलेज कंपनी क्लेम करती है 50 किलोमीटर पर लीटर का, लेकिन आपको 40 से 45 के बीच में माइलेज देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें 5 गियर देखने को मिलते हैं। गाड़ी का जो कर्ब वेट है वो 139 केजी का होता है। जहाँ तक बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो दोस्तों इसका फ्यूल टैंक जो है वो आपको 12 लीटर का देखने को मिलता है। सीट की हाइट जो है वो 796 mm की होती है, यानी कि हाइट जो है अच्छी होती है। थोड़ा सा जो लो कॉस्ट वाले हैं, यानी जो लो हाइट वाले हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाकी कंफर्टेबल होती है। बीच में आपका थोड़ा सा गैप होता है और कर्व टाइप का होता है, और पीछे तरफ ऊँची हो जाती है। दोस्तों जहाँ तक इसकी अच्छी बात करें, तो दोस्तों इसमें कंपनी जो है 10 ईयर की वारंटी देती है, और जो स्टाइलिंग इसका लुक है वो बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो 160 सीसी का इंजन है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, और रिफाइनमेंट इंजन आपको देखने को मिलता है। दोस्तों रेट के मामले में कुछ हाई देखने को मिलता है, और इसमें जो थोड़ा सा प्लास्टिक की क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो है, बाकी गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। माइलेज भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, और 160 सीसी की बाइक्स में ये होंडा यूनिकॉर्न से टक्कर लेती है, उसके अलावा होंडा एक्स ब्लेड से, इसके अलावा KVSR 125 भी इसके टक्कर में आती है, यामा FZ F1 भी इसके टक्कर में आती है, उसके अलावा आप TVS Apache RDR 160 से भी इसकी टक्कर देखने को मिल सकती है, बजाज पल्सर N150 से भी इसकी टक्कर देखने को मिलती है, और बजाज पल्सर 150 से भी इसकी टक्कर देखने को मिलती है। बाकी हीरो एक्सट्रीम 125R से भी थोड़ा सा कंपटीशन है इसका, बाकी देखेंगे तो अभी कहीं ना कहीं टक्कर में TVS Raider 125 भी देखने को मिलती है। तो बाकी दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बात किया रेट के बारे में। दोस्तों कलर की बात करें तो इसमें आपको स्पार्टन रेड देखने को मिलता है, उसके अलावा मैटी मार्बल ब्लू मेटालिक देखने को मिलता है, डार्क ब्लू मेटालिक देखने को मिलता है, और आपका PL इग्निशन ब्लैक देखने को मिलता है। ग्रे में भी आती है दोस्तों ये, और एक डीप ग्राउंड ग्रे कलर भी देखने को मिलता है। तो यानी कलर के मामले में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपको 6 कलर इसमें देखने को मिलते हैं। माइलेज बताया मैंने, माइलेज बहुत ही बढ़िया है। फीचर की बात करें तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर सारे डिजिटल देखने को मिलते हैं, और गाड़ी कंपनी ने उसमें बहुत अच्छे फीचर दिए हैं। बाकी बात करें इसके रेटिंग की, तो कोई भी रेटिंग इसकी 4 से कम नहीं है। सर्विस, वैल्यू फॉर मनी, कंफर्ट, विजुअल अपीयरेंस, रिलायबिलिटी में बहुत ही बढ़िया है, और लोगों ने इसको अच्छा रेटिंग दिया हुआ है। तो आप भी कोई प्लान कर रहे हो कि 160 की बाइक के लिए, तो आप इसका टेस्ट ड्राइव कर सकते हो। दोस्तों यहाँ बता दूँ इसकी लेंथ जो है वो 261 mm की देखने को मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल की है, जो 42,000 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे इसमें कि बाकी तो फीचर बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया हैं। एक बार टेस्ट ड्राइव करोगे तो आपको कंफर्टेबल लगती है, तो आप इस बाइक को देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।